अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद राजधानी लखनऊ के कई इलाके हैं जो ऐसा माना जा रहा है कि बुलडोज़र की जद में आ सकते हैं। हम इस समय पंतनगर में मौजूद हैं और पंतनगर में आज एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पंतनगर के तमाम निवासी अगर आप देखें तो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं गांधी जी का जो आंदोलन था उसको लेकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हाथों पे मुंह रखे हुए है, कोई अपनी आंखें बंद किए हुए है और कोई कान बंद किए हुए है। हालांकि इनमें दो लोग हैं जिनको हमने बातचीत के लिए राज़ी किया है और उनसे बात करेंगे। मैडम, ये किस तरीके का प्रदर्शन आज आप लोगों ने यहाँ पे आए? देखिए, हमारा प्रदर्शन जो है किसी के खिलाफ नहीं है, हमारा प्रदर्शन अपने हक के लिए है। हमारे ये जो एलडीए विद इरिगेशन डिपार्टमेंट, द पीपल केम ओवर हियर एंड दे विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, हमें बिना बताए हुए यहाँ पर आए और आ करके हमारे घर पर निशान लगा के चले गए। ठीक है, जब हमने पूछने की कोशिश की अब तो उन्होंने उसका जवाब देना आम जनता को उचित नहीं समझा। अब हमारे घर, जिसके घर पर निशान लगता है या जिसका घर उस लिमिट के अंदर आता है, उसको पूछे कितनी तकलीफ़ होती है, उस दिन से उसने क्या, उसके दिल पे क्या बीत रही है, तो वो तो ये जानना चाह रहा है कि ये इसका मतलब क्या है। वो मतलब भी नहीं समझा सकते तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, कि गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का कोई मतलब नहीं बनता है, जब वो आम जनता को जो वो कर रहे हैं उसका भी मतलब नहीं समझा सकते। ये इस वजह से हमने ये प्रोटेस्ट किया है, बिकॉज हम कुछ ऑफिशियल के पास अपनी क्वेरीज लेकर के गए थे, बट उस क्वेरीज में जो तंज उन्होंने कसा है उसके मैं अगेंस्ट हूँ। कि अगर उन्होंने हमें 20 मिनट दिए थे हम मानते हैं, लेकिन उस 20 मिनट में उन्होंने जैसे जो तंज कसे हैं उसके अगेंस्ट हम हैं। अच्छा, ये बताइए, आपका जो ये मामला है ये तो अब नेशनल मुद्दा बन चुका है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसकी चर्चा हो रही है, ये प्रदर्शन, अनोखा प्रदर्शन करने की क्या? देखिए, जब हमारे अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन किया था, उनको छोड़ने के लिए, उनको उस वहाँ से हटाने के लिए जो प्रयत्न जिस तरीके से लोगों ने किया है, कुछ अलग अलग मोड थे, किसी ने साइलेंस में होकर के किया, किसी ने अग्रेशन में होकर के किया। सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल है, डिफरेंट एग्जाम्पल है, मंगल पांडे का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जिसको जो तरीका, देखिए, देश को आज़ाद कराना एक मुद्दा था, उसमें जो आपका जिस वे से कंट्रीब्यूशन हो सका, जिसका भी, वो उस हिसाब से किया। इसी तरह से हमारा भी है कि हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन जैसे भी हो सकता है, ये लोग बोल बोल के इतना परेशान हो चुके हैं एक ही बात को बोल बोल के, तो उन्होंने साइलेंस किया। अब इस साइलेंस का मतलब ये है कि हम अपनी बात को सही तरीके से गवर्नमेंट, गांधीगिरी तरीके का मतलब ये नहीं कि हम हमारी आंखों के आगे आंख बंद करने का मतलब ये है कि हम अपने घर के आगे बुलडोजर चलता हुआ देख नहीं सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने अगेंस्ट अपने लिए कुछ बोल रहे हैं, इसलिए मुंह बंद है। सुनाई का मतलब है कि अगर हमारे कॉलोनीज़ के अगेंस्ट कोई बात करेगा तो हम उसको नहीं सुनेंगे, ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा मुद्दा है। क्यों मैम, जो बात कह रही हैं कि गांधी जी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो उसी पर अमल कर रही हैं आप लोग? जी हाँ, उसी पे हम अमल कर रहे हैं इस समय। तो ये कब तक की जारी रहने वाला है? कोई इसकी सीमा नहीं है, जब तक हमें उचित न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इसको लगातार प्रतिदिन हर एक नए तरीके से आगे उसको बढ़ाते रहेंगे। मानसून का मौसम है, अभी कुछ देर पहले बारिश भी हो रही थी, तब भी आप लोग इसी तरीके से बैठे रहें, कहीं ना कहीं आप लोग के स्वास्थ्य, तमाम महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, सरकार तो महिलाओं की बात करती है। हाँ, जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे बारिश वगैरह जो भी हो रही है, हम लोग बैठे रहे, हम लोग लगातार बैठे रहते, धूप भी झेल रहे हैं, मतलब बरसात भी झेल रहे, हर तरीके की चीज़ें झेल रहे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हम अवैध हैं, हमारे जो ज़मीन है उस पर हमारा मालिकाना हक है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन पे हमारा हक नहीं। तो ऑलरेडी बिना किसी जांच के, बिना किसी उससे, उन्होंने बात तो रख दी कि हमारा घर ही अवैध है, तो अब ये बताइए हम लोग यहीं तो बैठेंगे? तब धूप झेले, चाहे ठंड झेले, चाहे बरसात झेले, चाहे जो भी झेले, अब तो हम लोग तो मजबूत होना ही पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ न्याय चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी तरीके से बैठेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, ये कोर्ट में दिखाना चाहती हूँ जिसमें लिखा है
मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा है कि एक समय था मुहर्रम में सड़कें सूनी हो जाती थी, उसमें उन्होंने कोट किया है, पहले ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, जबकि आज ना तो गरीब की झोंपड़ी टूटती है। बस मैं यहीं पर इसको स्टॉप करके अपनी बात कहना चाहती हूँ, आप गरीब की झोंपड़ी नहीं तोड़ रहे, क्या कर रहे हैं आप, तो पक्के मकान तोड़ रहे हैं, ये झोंपड़ी थोड़ी है, यहाँ पर आप पक्के मकान तोड़ रहे हैं जो लीगलाइज्ड है, जो लीगल मकान हैं, जिनकी रजिस्ट्री है, जो सब कुछ दे रहे हैं, आपने खुद यहाँ पर अपनी सीवर लाइन दी है, सब कुछ दिया है, बिजली का सब कुछ दिया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे है प्रोवाइडेड द सीवर दे है प्रोवाइडेड द वाटर टू अस, एंड यू आर सेइंग, आप एक तरफ कुछ और बात करते हैं, तो अपनी बात को पहले तो समझिए कि आप कहाँ बात करते हो, और यहाँ तोड़ने की बात करें जो किसी भी कंडीशन में हम होने नहीं देंगे, हम मजबूत हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे, हमारे ऊपर से बुलडोजर चल सकता है, देखिए हमको मार के कोई काम कर सकते हैं लेकिन हमको जिंदा जी तो नहीं वो हिला सकते। आप ये बताइए, जब अकबर नगर पर कार्रवाई हो रही थी तब आप लोग का क्या रिएक्शन था? देखिए अकबर नगर के लिए जब होता है, जिस पर होता है, हमें उसके बारे में ये नहीं पता था कि वो लीगल है इलीगल है। देखिए हमारे घर पर जो हो रहा है तो हमें पता है कि हमारा घर लीगल है इलीगल है, राइट? तो हमारी कॉलोनी में जब सब लोगों ने देखा, सबके पास पेपर है, ये जो हमने पेस्ट किया है अपनी रजिस्ट्री, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन दैट वी आर द पीपल लिविंग ओवर हियर विच इज़ लीगली बेस्ड ओवर हियर, और ये आज से नहीं रह रहे, बहुत साल पुराने रह रहे हैं। अकबर नगर में लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, उनके पास रजिस्ट्री नहीं थी, वो हमें इसलिए नहीं पता है क्योंकि हम इसके उसमें थे ही नहीं, हमको पता नहीं है, हम नॉर्मल लोग हैं जो नौकरी करने जाते हैं, शाम को आते हैं अपना घर। मानवता के आधार पर मैं आपकी बात जानना चाह रहा हूँ कि जब वहाँ बुलडोजर चल रहा था तो पंतनगर निवासियों का क्या रिएक्शन? देखिए उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि पंतनगर निवासी जो हैं उस टाइम अवेयर नहीं थे क्या कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अगर हम उनके बीच में घुस करके बात करते तो शायद हमें चीज़ें पता चलती तो हम कमेंट कर सकते थे, अभी जब हमें चीज़ें पता नहीं है तो हम गलत कमेंट नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप एक बार देखें तस्वीरों में, तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, कोई आँख बंद किए है, कोई अपना चेहरा बंद किए हुए है, कोई अपने कान बंद किए हुए, साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने गांधीगिरी का जो तरीका था उस पर बताया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, तो उसी पर अमल करते हुए तमाम महिलाएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। जिस तरीके से अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई तो इनको डर है कि आने वाले समय में जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो उनके घर तक भी पहुंच सकती है। और लेकिन एक बात जो इन्होंने कही है कि हम अपने ऊपर तो बुलडोज़र चलने देंगे लेकिन अपने मकानों के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलने देंगे, तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी।